मैं 1 बजे बैठा हूँ। 1 बजे कटे से बैठे सालासर के काम गए सालासर जी। मैं लानू से आयो, लानू में सीधा सालासर उतरियो, सालासर उतर के नोलगढ़ी बस बैठे हूँ। अच्छा तो ने बोलियो भाई कितने जैसी बोले 1 बजे जैसी बस वो ठीक है, वो तन 3 बजे नोलगढ़ गाल दूसू। अच्छा। 2 बजे बहुत बड़े एक्सीडेंट कर दियो। 2 बजे तो हाँ। बस के स्पीड में चल रही है या नॉर्मल धीरे धीरे चल रही है? स्पीड में चल रही है एकदम, लेस पूरा दे दियो गाड़ी को, पूरा लगा रखा। हाँ, लेस पूरा लगा दियो गाड़ी को। तो जी हाँ, हादसा योजना कौन सी साइड बैठे हो तू जी? ठंड साइड में बैठा था ना, इस साइड बैठे, इस साइड में ड्राइवर चला रहे हो, ड्राइवर चला, ड्राइवर के दूसरी साइड बैठे हो। तो जी हाँ, कताक लोगा के भी कमाए लागी बस में अगर बात करा तो बड़ा लोगा के लागी कम सुनबा मारी है कि पहले अभी जो बस चला रहे ड्राइवर है बिना रोक पाए भी कोशिश करिए कि धीरे चला। कौन करिए वो लिचम कमाने पड़ता है, लेस पूरी कर दी गाड़ी। नहीं, कुछ लोग हैं भी बता रहे हैं कि जी हाँ वो ज्यादा उससे निकलना के बाद स्पीड तेज कर रखी, बिन कई लोग हैं बोलिया कि धीरे चला धीरे चला बोलिया कि आप बोलिया कोई कोई बोलिया भी ना बोलिया कि बोलिया वो भगाई रखी भी वो भगाई रखी जिस समय भाई और भगाई बस गाड़ी तो वो गाड़ी सीधी मायने का वो आप साइड गाड़ी को नहीं अपने साइड वो आपने पूरी साइड गाड़ी ने वो पूरा माइंड। तो जी बात करा जी हादसा के बाद क्या मायने कई लोगों के लागी चोट के तरीका की लाग रही? कोई का मुंडा टूट गो, कोई का हाथ टूट गो, कोई का पग टूट गो, कोई का सिर में लग गई। तो बात करा अपन जी हां बस भिड़ना के बाद में कौन सी साइड मुंह हुई होगी जी? फतेहपुर का नहीं, सीकर का नहीं, आके कण अरे ना तो भी पुड़िया के बाहर रगड़ती चली गई बस इतनी देर, बस रगड़ती कम चली बा भिड़े बार बार बड़ी लगी बस बड़ी लगी बड़ी मुचकी पूरी खिंडकी बड़ी। अच्छा, एक साइड से मतलब ज्यादा स्पीड अगर अनुमान लगाऊं तो स्पीड ये तो खिंडकी तो पूरी कती की 60, 70, 50, 100 कती की स्पीड लागे तने? 100 लागे मन तो पूरी बगा रखी। तो बीस से जी गेट से कती दूर पहली तेज कर ली वो गाड़ी? वो गेट का मैंने निकलता ही कर ली वो तो जी के बारे जाता ही कर ली। तो जी एक्सीडेंट होने का बाद ड्राइवर ने देखी होगी तू के कंडीशन है भी? मैं सुनो एकदम सुनो जस्तो को नहीं पीछे बारे कौन नहीं खड़े हो बारे को भाई हो बंदे बस बाहर निकले तो बाहर सब ने काटे देख के सब ने काटे। तो तन कौन सा हॉस्पिटल में दिखाई होगा ये सरकारी में लक्ष्मणगढ़ सिकरा सिकर दिखाई गया तो सिकर गयो तू जना कताक जना हो रहा आज पब्लिक घनी कम से कम 200 पब्लिक 200। अच्छा मतलब ले बीजा बेड़ा हो रहा देर गया तो भी मान लागेड़ी कताक आदमी हो रहा है हॉस्पिटल का मां अगर बात करूं लागेड़ी का 12-13 आदमी है। तो लोग कहीं कि दाका माय से 13 जना खत्म भी होगा तो तू देखियोगे एक दो ने की के कंडीशन नहीं बागी देखियो मुंडा कोई का मुंडा टूट गया कोई हाथ टूट गया कोई का पग टूट गया ज्यादा कठे लागी अगर बात करा तो सिर में या शरीर पर कौन सी जगह लोगा के लाग रही? कोई का आंखे में लागी, कोई को सिर टूट गो, कोई को जबाड़ो टूट गो, कोई को पग टूट गो, कोई हाथ टूट गो, मुंडा की तरफ ज्यादा लागी। माय की बस की हालत बात करा पा सीट वीट ऊपर नीचे होगी ही या फिर जी एक साइड की खत्म हुई पूरी? होश को नहीं है सेल, तो सेल कितना टका है इधर सिर पे कितनी चोट लगी कितना टका है? 8-9 छुट्टी कब मिली? छुट्टी आ तो देती मैं जाके मैं नहीं आ तो देती अब एक्सीडेंट हो है बार लक्ष्मणगढ़ में काल साहब बहुत ही दुखद घटना है और बहुत लोगों की जान चली गई है और एक दुखद घड़ी हर आदमी के लिए त्योहार के ऊपर खुशी को त्योहार रहे। सूचना कब मिली थाना की एक्सीडेंट? सूचना माने मिली 3:30 बजे। तो 3:30 बजे थानू कौन बताया कि यहाँ करना है भाई इना को 2:30 बजे से यहाँ से फोन आयो हॉस्पिटल से कोई तो हाँ बेहोशी हालत में जहाँ होश मामूली से लेकिन इन्होंने कल्याण का मान लेके गया कल्याण में के बाद में कोई होश मामूली होश होता है बोले मेरा घर फोन करो क्योंकि दूसरा आदमी लेकर इन्होंने फोन कर गया। फोन करने के बाद में या पापा जी ने फोन आया कि मम्मी जी ने कोई एक ने फोन आया कि भाई एक्सीडेंट हो गया सारे बच्चा को तो ये भाग्या ये टैक्सी चलावा है ना पापा जी ऑटो चलावा है आपके जीवन में अपने घर गरीब आदमी है तो ये बड़े टैक्सी रास्ता में छोड़ के चल गया क्योंकि बाद में मम्मी ने पता चला बेबी चल गई पीछे पीछे की मम्मी की चाची है तो ये मम्मी की चाची चल गई क्योंकि बाद में ना आधार कार्ड मंगाया बड़े से कि भैया आधार कार्ड भेज तो इन्हें फोटो पर आधार कार्ड भेजो क्योंकि बाद में ना वो ट्रीटमेंट हो डॉक्टर साहब बड़े की अफरा तफरी को माहौल हो बैंक थाने भी बेरो है समझदार कि भाई इतनी मौत होगी और अत घायल होगा तो अफरा तफरी तो होना ही है और कल्याण हॉस्पिटल बड़ो तो लोग बड़ी रेफर करेगा ना रेफर करेगा रेफर करने के बाद में अफरा तफरी के मान ना थोड़ा सा मान लो नॉर्मल से इलाज कर कर छुट्टी दे देगी कि भैया थे बारह ट्रीटमेंट करवा ले और अफरा तफरी को मारा बिल्कुल आदमी हो तो वो भी यही करा आप भी बताओ मायने भीड़ भी काफी ज्यादा है कई घायल भाई कई घायल तो बिना रिश्तेदार वगैरह अफरा तफरी को माहौल को चीख पुकारा की आवाज आवा लगी तो साहब अभी बच्चा कहीं का पापा जी है गरीब आदमी
टैक्सी चलावे तो अभी कोई तो इना का 2 रुपया तो है को नहीं कि कोई तरीका से इलाज करा लियो जावे। आज की सिटी स्कैन भी करवानी हो या एमआरआई भी करानी हो तो इना को नहीं, तो आपकी पट्टी में हॉस्पिटल से पट्टी बंद रही ना, वही के पट्टी बंद रही है। आज दूसरा दिन हो गए तो पट्टी भी चेंज हो गई। तो गायल के लिए तो प्रधानमंत्री की तरफ से 50,000 रुपये को अभी तो साहब है, तो क्या प्रावधान है क्या है इन्हें थोड़ी मालूम है कि वो क्या मिलेगा भाई इन्हें को नहीं बेरो तो वो क्या है। मैं तो लगा कि बिना जो आर्थिक सहायता मिली है वह इन्होंने मिले किए तरीका से मिले इन्हें नॉलेज को नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिम्मेदार नागरिक उसी नवलगढ़ का जिम्मेदार अधिकारी उसी पर शायद अवगत करा सी। तो मैं करीबन 1 बजे तो यहाँ से खाना खाने आ गया, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ शायद पापा हूँ शायद छिपागा, और मैं जैसे लक्ष्मी स्टोर पहुँचा लक्ष्मी से पहुँचते ही मेरे पास घर से फोन आया, बोले बाबू का एक्सीडेंट हो गया, बोले आप सीकर जाओ जल्दी से। तो फिर सीकर वाले हॉस्पिटल वाले बोल रहे इनका जो आधार कार्ड है बहुत जल्दी भेजो आप जब इसकी पट्टी होगी, बोले इसके बोले चालू हो रहा था। तो व्हाट्सएप इसके मोबाइल में मैंने इसकी मम्मी ने इसकी चाची ने आधार कार्ड भेजने के बाद में इसकी पट्टी की थी। मतलब जब तक आधार कार्ड नहीं दिया गया तब तक पट्टी नहीं होती। अच्छा इलाज ही को नहीं हुआ आधार कार्ड देने से पहले? इसका आधार कार्ड व्हाट्सएप किया था जब उसकी पट्टी हुई थी। अच्छा। उस टाइम में मैं वहाँ सीकर पहुँच गया हॉस्पिटल में, पर इतना जल्दी पहुँचा कि मालिक मुझे जल्दी घाल दिया मैं बस वाले ने भी। तो जैसे मैं अंदर पहुँचा कि बाहर निकल जा रहा था पट्टी करा के, तो हॉस्पिटल डॉक्टर कम डॉक्टर बोला इसको बिठाओ आराम कराओ। मैंने 2 घंटे हॉस्पिटल में इसको बिठाया, वही बिठा गया उसका ट्रीटमेंट, बोला यहाँ बैठे रहो आप और फिर हम छुट्टी दे देंगे इनको। तो मैं 6 बजे वहाँ से उनको बोला आप घर ले जाओ, बोला प्राइवेट दिखा लो या किसी निजी हॉस्पिटल दिखा लो आप वहाँ इसका इलाज करा लो। तो क्या आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया? नहीं नहीं सर, मैं क्या चीज़ करूँ, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ सर, आप भी समझदार हो। और कौन कौन था आपके साथ वहाँ गए थे तब? माँ मेरी बीबी थी, मैं चाची इसकी चाची थी जी। इसकी माँ जी और इसकी चाची थी और मैं था, हम तीन आदमी गए थे, आगे पीछे गए भाई साथ नहीं गए थे, पहले मैं वहाँ पहुँचा था फिर मेरे घर से आई थी। अच्छा पीछे से गए थे? पीछे से आई थी बिल्कुल। वैसा कल ये हमारा भी एक इसके अंदर था ये आदमी, इनको जब एक्सीडेंट हुआ तो इसको भी पता नहीं था कुछ भी जी। तो इसको कोई निजी वाहन या कोई भी लेके गया होगा वहाँ पे, फिर वहाँ पे ले जाने के बाद में जब इसको थोड़ा होश आया ना तो इसका आधार कार्ड मांगा था जी। आधार कार्ड के लिए इसने किसी को बोला होगा तो व्हाट्सएप नंबर पे आधार कार्ड मंगा के फिर ट्रीटमेंट इसका चालू किया। अभी ये बंदा मजदूरी करता है और घर की स्थिति दयनीय है एकदम बिल्कुल। तो जो सरकार से जो भी कुछ मिले तो इस बंदे का इलाज हो जाएगा बिल्कुल। कल तो एक वो सूचना भी जारी हुई थी कि जो घायल है उनको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। हाँ हाँ वही तो इसके सर में भी 7-8 तो सर बिल्कुल। तो बता रहे ना कि इनको मालूम नहीं है कि योजना बिल्कुल मिली, हमने भी अखबार में पढ़ा है और प्रधानमंत्री आवास योजना में वो प्रधानमंत्री ने 50,000 पास किए, लेकिन सर इनको मालूम नहीं कि कैसे मिलेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे मिलेंगे इनको। तो बिल्कुल आपके लोकल पार्षद उनके द्वारा जानकारी लेकर शायद करेंगे, देखते हैं इनका फिर। तो पहले तो इनका ट्रीटमेंट वो जो है ना वो करवाए ना, वो तो फिर पार्षद से तहसीलदार से SDM से इनसे बात करेंगे क्या है बताए। कुछ पता है आप नंबर कोई अच्छा तेरे फोन से निकाले थे मेरे मोबाइल सब मोबाइल बाद में तो मिल गो ना।